रायगढ़ में लिव इन में धोखा और लिव इन में रह रही युवती की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 साल से लड़की दानिश खान के साथ लिव इन में रह रही थी। दानिश ने प्रेमिका से शादी का वादा किया था, लेकिन आरोपी दानिश के मोबाइल ने उसके झूठ को बेनकाब कर दिया। दानिश ने प्रेग्नेंट प्रेमिका को गर्भपात की टैबलेट दी, जिस दवाई से लड़की की हालत ऐसी बिगड़ी कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आप भी देखिए दगाबाज दानिश की साजिश का राज। फ्रेंडशिप में फरेब का जाल। मोहब्बत में दगाबाजी की कहानी। मोबाइल ने खोला बेवफाई का राज। FIR में कैद मौत का सच। दगाबाज दानिश, लिव इन, लव, धोखा। एक और लव जिहाद। ये मोहब्बत की वो कहानी थी जिसमें फरेब छुपा था। ये इश्क का वो जाल था जिसमें दगाबाजी थी। दगाबाज दानिश का वो सच जो लड़की मौत से पहले अपने बयान में दे गई। जिस वीडियो में उसने मौत से पहले दानिश के फरेब की कहानी सुनाई थी, FIR में कैद उसी सच को बताते हैं। 2 साल पहले एक ऐसी लव स्टोरी जिसका दी एंड खौफनाक है। दरअसल रायगढ़ के दानिश की मुलाकात एक लड़की से हुई। पहले दोस्ती और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। 2 साल से 27 साल का दानिश खान लड़की के साथ लिव इन में रह रहा था, जिसने वादा किया था कि वो लड़की से शादी करेगा। हाँ, एक महिला थी और जिनके साथ वो रहती थी, करीब 2 साल तक रहे साथ में पति पत्नी के रूप में। दरअसल ये प्यार में फरेब की बिसात थी। लिव इन रिलेशनशिप में धोखे के सिवाय कुछ नहीं था। लड़की दानिश का मोहरा बनी, जिसे ये पता ही नहीं था कि वो जिस पर यकीन कर रही है वो तो फरेबी है। दरअसल दानिश ने लड़की से ये बात छुपाई थी कि वो पहले से शादीशुदा है, जिसकी बेवफाई का राज खोला दानिश के मोबाइल ने। मोबाइल में बेवफाई के सबूत थे। दानिश के शादीशुदा होने का पता चलते ही लड़की के सपने चकनाचूर हो गए। आए दिन दोनों के बीच विवाद होने लगा। लड़की प्रेग्नेंट थी। आरोप है कि गर्भपात कराने की दवाई दानिश ने लड़की को खिलाई थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और बिलासपुर सिम्स में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। वो महिला गर्भवती हो गई थी, तो उसके पति द्वारा ही उसको गर्भपात करने की दवाई दिया गया था और उसमें ही उसकी मृत्यु हो गई थी। मर्ग डायरी बिलासपुर के सरकंडा थाने इलाके से रायगढ़ के चक्रधर नगर थाने में पहुंची। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज इलाके में 2 साल से दानिश और लड़की दोनों लिव इन में रह रहे थे। पुलिस लड़की की संदिग्ध मौत के मामले की जांच कर रही थी और फिर दानिश पर 304 का मामला दर्ज हुआ। लड़की का जो बयान आया था वीडियो के आधार पर उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया, धारा 304 के तहत थाना चक्रधर नगर में, और आरोपी को भी अरेस्ट किया गया है। दानिश और मृतका दोनों के मजहब अलग थे। क्या दानिश ने अपनी पहचान सही बताई थी या फिर इस मोहब्बत के खेल में लव जिहाद की बिसात थी? लव जिहाद के एंगल से भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रायगढ़ में लव जिहाद को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गर्भपात के बाद युवती की मौत में ये बड़ा खुलासा हुआ। युवती की मौत से पहले का वीडियो सामने आया है। मृतका ने वीडियो में बताया, दानिश बहुत पीटता था, हमारा एक बच्चा भी था जो सिर्फ 2 दिन हमारे साथ रहा। मुझसे डॉक्यूमेंट पे साइन कराकर बच्चे को दे दिया। दानिश ने बच्चे को किसी को दे दिया। वीडियो में दानिश को कड़ी सजा देने की मांग युवती द्वारा की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लव जिहाद कांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बारे में ये बताना चाहती हूँ कि वो साल भर मुझे अपने साथ में एक संबंध बना के रखा था, लेकिन कभी मेरे साथ शादी नहीं किया। आज उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में हूँ। मुझे हर जगह से छोटे मिलते जा रही हैं। वो इंसान शुरू से मारता था, प्रताड़ित करता था, कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। उससे ये बीवी थी, लाइफ शादीशुदा वाली थी, तो मुझे शुरू में छोड़ देता। मैं भाग के आई तो मैं बच्ची थी, मुझे समझा सकता था। मेरे पूरे फेस में उसके मार्क के अभी तक दाग रखे हुए हैं, उसके हाथ के काटने का निशान रखा हुआ है। मुझे न्याय चाहिए, वो किसी भी हाल में मुझे परेशान ना करे। वो हर वक्त, हर जगह, हर समय आज तक मेरे को प्रताड़ित करता कि मैं उसकी ज़िंदगी से क्यों गई, मेरी भी लाइफ है। जब वो शादीशुदा इंसान बन सकता है तो मैं उसके बिना भी तो रहना सीख सकती हूँ ना। सही कोई भी इंसान, कोई भी लड़की एक हद तक मार खाती है। वो एक मुसलमान था, वो मेरी बातों को कभी नहीं समझा, तो कहाँ की बातों को सुनता होगा। मुझे न्याय चाहिए सर, बस न्याय चाहिए। अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हूँ सर, मैं अभी चल भी नहीं सकती। मैं अगर मर जाऊँगी तो मैं किसके पास जाऊँगी मर के? मेरे भैया भी मेरे से ढंग से बात नहीं करते सर। तो आप एक मेरी एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध करती हूँ कि दानिश खान को प्लीज़ कड़ी से कड़ी सजा दिखाएं। वो हर बार, हर बीच मुझे कॉल किया है। उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास है सर, अभी वाली नहीं है, पुरानी वाली है। मेरे को उससे कोई सा बात नहीं रखना सर, मेरे को बस उससे अलग होके रहना, वो नहीं अलग होने देता हूँ। धन्यवाद सर, मुझे इंसाफ चाहिए। एक और बात सर, मेरी माँ है, बस मेरा भाई है और मेरी भाभी है। मेरा भाई मुझे अभी कुछ दिनों से पसंद ही नहीं करता था। आज देखिए, जब मेरा तबीयत ख़राब है, मेरा भाई मेरे लिए दौड़ते आया है। उस दानिश खान को थोड़ी फ़र्क पड़ता है सर, जो यूज़ करके छोड़ दिया। माँ बाप में सिर्फ बाप ही है, मेरी माँ भी एक्सपायर करी सर। थोड़ा सा उसके कॉपरेट कर दिया। मैं ऐसे कभी नहीं रहती थी, उसकी वजह से ऐसे बदनाम हो। हर किसी को फ़ोन करके, मैसेज करके बोलता है कि तुम लोग राखी के साथ क्यों घूमते हो? सही है, मेरी ज़िंदगी, मैं किसी के भी साथ घूमूँ? मेरी फैमिली मना नहीं कि आज तक। वो कौन होने वाला है सर? देख लीजिए सर, मेरे हाथ से कैसे हो गया मेरा हाथ, सेकेंड वाला हाथ देखिए सर। ये उसकी वजह से काटना पड़ गया था सर, ये देखिए। बहुत मारा है सर, मेरा सर सूझ गया है। ये बचपन का है, ये अभी अभी कभी भी कहीं पे भी कपड़ा खोल के मारना, उसका बेल्ट से मारना, वो इंसान किसी औरत के साथ रहने लायक नहीं है। दानिश खान बहुत बेकार इंसान है सर, मुझे इंसाफ दिला दीजिए बस, मुझे जीने नहीं देगा सर। मैं एक कन्फेशन और करना चाहूँगी। उसके साथ रहते रहते मेरा एक बेबी था, वो भी 2 दिन ही मेरे साथ रहा था। फिर तीसरे दिन हम लोग घर जा रहे थे, वो मेरे को बता दिया था इसको दे दूँगा, लेकिन तब भी बोलता था चल नहीं देंगे, तेरे साथ में रखेंगे घर के। और मैं हॉस्पिटल में ही थी, तो मेरे से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने साइन करवाए थे। और सर वो बेबी उसी रात को दे दिया। मैं बहुत रोई थी सर, चिल्ला के, लेकिन वो एक बार भी ये नहीं बोला कि कल आगे दे दूँगा और तुम्हारे साथ रखूँगा सर, कभी नहीं बोला। एक रूम में मेरे को ताला लगा के जाता था सर। सीजर में मेरी बेबी हुई थी, उसको एक बार भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया सर, बल्कि आगे मैं ये बोलती थी कि तुम बच्ची हो, कब लेके आओगे, जल्दी ले आओ, मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो बेबी को दे दिए ना, और कितने बार लाएंगी। फिर एक दिन ये भी बोला सर, क्या तेरी बेबी का जलसा हो रहा है, तू भी दारू भी बैठ कर करके। और दूसरी बात ये सर, मैं एक अनाथ लड़की हूँ सर, मेरे रियल पेरेंट्स नहीं हैं। ये लोग मुझे रियल पेरेंट्स से भी बढ़कर प्यार दिए, आज भी मेरा सपोर्ट करते हैं सर। और प्लस ये भी कि मैं इतनी गलतियों करने के बाद भी मेरे पेरेंट्स आज मेरे साथ सपोर्ट है। मम्मी नहीं है सर मेरी, भाभी, पापा और भैया है, बस, इसके अलावा कोई नहीं है सर। प्लीज़ सर, मेरे को जितना हो सके उतना उस लड़के से दूर करे। बीच में ही कॉल करके परेशान किया था, दूसरे दूसरे लड़कों को मारता था। उन्हें मेरे को फ़ोन करके बोलते थे तेरा दानिश भरमता है तेरे लिए। सर ये मेरी लाइफ में मैं कुछ भी करूँ, दानिश अब भी मेरे पीछे पड़ा है, प्लीज़ सर उसको मना कर दीजिए। मेरे आगे पीछे कोई नहीं सिवाय मेरे चौहान फैमिली के साथ। मृतका के भाई ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुस्लिम रीतियों को अपनाने का बना रहा था दबाव, हत्या करने के लिए दानिश ने दवा भी खिलाई थी। अब तक जो कार्रवाई हुई उससे असंतुष्ट हूं, तो ये बड़ा बयान मृतका के भाई का आया है। पीड़िता के भाई का ये बड़ा बयान आया है कि जो भी कार्रवाई अभी तक हुई है उससे मैं असंतुष्ट हूं। मृतका के भाई ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये बड़ी खबर उस वक्त आपको बता रहे हैं। मुस्लिम रीतियों को अपनाने का दबाव बना रहा था और इसी को लेकर के बड़ा बयान मृतका के भाई ने दिया है। बताना चाहता हूं दानिश ने बहुत ही सोची समझी चाल के तहत मेरी बहन को उसने बहुत ही चालबाजी से उसने फंसाया, प्रेम जाल में फंसाया। उसने अपने शादीशुदा की जानकारी छिपाते हुए उसने उसे गर्भवती कर दिया। गर्भवती करने के बाद उसने घर से दूर कर दिया। दूर करने के बाद उसके साथ बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना, मुस्लिम कृत्यों को अपनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको प्रताड़ना करने लगा और जानवरों की तरह मार पीट कर उसे एक दिन घर से निकाल दिया। इस बीच में उसकी बच्ची हुई थी जिसे उसने कहीं बेच दिया या किसी प्रकार का हत्या कर दिया, जिसे वह ब्लैकमेल करके कि मैं तेरी बच्ची को रखा हूँ करके वह हमेशा उससे ब्लैकमेल कर अपने गलत परिणामों को पूर्ण करता था। फिर उसने एक दिन मार करके जब घर से भेज दिया था तब वह दिल्ली में कुछ दिन रही। उसके पश्चात सीधा हमें सिम्स में मिली जहाँ उसे दानिश ने गोली खा के हत्या कर दी। उसकी हत्या करने के लिए उसे गोली खिलाई थी, जहाँ उसकी हालत बहुत गंभीर होती गई। वहाँ किसी प्रकार का पुलिस का समर्थन नहीं मिल पाया और आज भी जैसा धारा लगा है, जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है उससे मैं संतुष्ट हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कार्रवाई हो कि हर बहन की इससे सुरक्षा हो सके, अपराधी डरे। इसमें सर्वप्रथम मुझे कोई सहायता नहीं मिली थी। मैंने हमारे मोहल्ले के पार्षद विवेक सुलंकी जी से मैं संपर्क किया और उन्होंने मेरी सहायता का आश्वासन करते हुए उन्होंने मार्गदर्शन किया। हाँ, गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाए थे जिस पर पुलिस ने उसकी वयस्कता को देखते हुए वो उसकी बयान पे अड़े रहे। अच्छा, अभी क्या आप कार्रवाई संतुष्ट है? क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहता हूँ कि उस पर पूर्णतः हत्या का आरोप लगे और ये हत्या जो है, जिस प्रकार से पीड़ा से बच्ची का देहांत हुआ है, वह उतनी ही कड़ी कार्रवाई हो ताकि आने वाले हर बच्ची, हर बहन सुरक्षित रह सके। मैं आज एक भाई बन के लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह अपराध पूरी तरह से। बीजेपी नेता ओपी चौधरी का इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा है। युवती को तरह तरह से प्रताड़ित किया गया, युवती को मार दिया गया, जो बच्ची पैदा हुई वो गायब हो गई। पीड़ित परिवार को मदद दिलाएं, परिवार को पुलिस पर भरोसा नहीं है। इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। साफ केस है, उसे गर्भवती प्रेग्नेंट करके उसको लोक लाज के डर से भगाया गया। फिर एक बच्ची पैदा हुई, वो गायब हो गई, मृत्यु, उसको मार दिया गया। क्या हुआ उसका, उस बच्ची को, उस बहन को कभी नहीं बताया गया। वो खुद मरने के पहले वीडियो जारी करके ये बात बोली है, अपने भाई को वीडियो दी है। इसके बाद उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता रहा। आज महज 304 एक ही गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किए हैं। पीड़ित परिवार मांग कर रहा है हत्या के की धारा 311, 312, 313 के अपराध कायम किए जाएं और पीड़िता के परिवार ने तो पुलिस पर अविश्वास जताते हुए कहा है कि न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया जाए, माननीय हाईकोर्ट की निगरानी में जाँच चले। और आज पूरे प्रदेश में जो तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है उसी का परिणाम है कि हर जगह लव जिहाद जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं और छत्तीसगढ़ के और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी हरपाल सिंह खूटे जुड़ गए हैं रायगढ़ से। हरपाल, तमाम प्रयासों के बाद, तमाम कार्रवाइयों के बाद, कड़ी कार्रवाइयों के बाद भी लव जिहाद के मामले नहीं थम रहे हैं और एक के बाद एक हम तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से बेटियां प्रताड़ित हो रही हैं, उनकी जान चली जा रही है। और हमने इस पीड़िता को भी सुना कि आखिर कितने लंबे वक्त से वो प्रताड़ित होती हुई आई थी। जी 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 ऋतु, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से जो मामला रायगढ़ से सामने आया है वह बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से एक जो खुद पीड़िता बता रही है कि उसे कितना प्रताड़ित किया गया है, ये तो कतई नहीं कह सकते कि जो इस युवक पर आरोप लग रहे हैं वो कतई इंसान हो, क्योंकि जिस तरह से बर्बरता बढ़ती है वह कोई जानवर भी नहीं बना सकता। और जो परिजन है वो जिस तरह से पुलिस के कार्रवाई पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने जो उदासीनता दिखाई, इसकी वजह से आज जो एक बच्ची है वो मौत के आगोश में चली गई और पुलिस जो है आरोपी को केवल खाना पूर्ति के नाम पे कार्रवाई करके जो है अपना काम टाल रही है। इस पूरे मामले में जो है परिजन जिस तरह से पुलिस के कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो जिस तरह सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस के जो कार्रवाई है पूरे सवालिया घेरे में आते हैं। और अब तक जो कार्रवाई हुई है उसके निष्पक्ष जांच की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की जांच है उस पर कार्रवाई, जो पुलिस की जांच है वो बेहतर तरीके से होनी चाहिए। और जिस तरह से एसआईटी गठन की मांग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं पूरे जांच पर जो है एसआईटी गठन हो और निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि जिस तरह से लव जिहाद का मामला सामने आया है, या तो एक उदाहरण ही समझे कि कुछ मामले जो है सामने आ गए हैं, लेकिन ऐसे कई मामले हो सकते हैं जो कि अभी भी दबे हुए हैं, शायद पुलिस या कार्रवाई की वजह से दब गए हों, या फिर जो मामले लोक लाज के डर से सामने ना आ पा रहे हों इस वजह से दब गए हों। लेकिन ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के उन ठेकेदारों को और जो लोग तथाकथित जो समाजसेवी बनते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग बनते हैं और ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, उनको भी सामने आना चाहिए और इस तरह के जो कृत्य हुए हैं इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करनी चाहिए। जिस तरह से बेटी वीडियो में जिस तरह से बता रही है कि उसके साथ कितनी बर्बरता हुई, उसके 2 दिन के बच्चे के साथ जिस तरह बर्बरता हुई, वो कहीं ना कहीं एक मानवता को शर्मसार करने का मामला है। और ये लव जिहाद से बढ़कर जो है कहीं ना कहीं ये मानवता के लिए शर्मसार करने वाला मामला है। अब तक पुलिसिया कार्रवाई जो हुई है, पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें खाना पूर्ति और अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से युवती के मौत के बाद युवक पर केवल गैर इरादतन हत्या का मामला, इस तरह की धारा के साथ आरोपी को गिरफ्तार करना और गिरफ्तार करके जेल भेज देना कहीं न कहीं उसके मंसूबे को भी बढ़ाता है, क्योंकि कल वह छूट कर आएगा तब वह अपने निश्चिंत रहेगा कि उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस या उस पर जो है दबाव नहीं बन पाएगा। ऐसे में वह अगले जो भविष्य में जो है अपराध करने के लिए स्वतंत्र होगा, उसका मनोबल बढ़ेगा। तो कहीं न कहीं ऐसे जो वैसी है, ऐसे अपराधी हैं, उन पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं उनका भी विरोध करना चाहिए। एसआईटी की मांग जो की जा रही है, कहीं न कहीं निष्पक्ष एसआईटी टीम गठित हो और इसकी जांच होनी चाहिए। जी ऋतु। जी, वाकई जिस तरह से बर्बरता की गई है और लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जागरूकता की तो इसमें कमी है ही है, पर यहाँ पर प्रशासन पर भी सवाल उठने लाजमी हैं, क्योंकि जिस तरह से मामले के बाद एक सामने आते हैं, ऐसी कोई मिसाल पेश नहीं की गई है, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि ऐसी कोई कार्रवाई हो जिसके बाद डर पैदा हो इन अपराधियों में, इन बदमाशों में, कि ऐसी वारदातों को अंजाम ना दें, ऐसे प्रताड़ित ना करें, बर्बरता ना करें, नाबालिगों को ऐसे फंसाएं ना अपने चक्कर में। कहीं ना कहीं बिल्कुल जो पुलिस की कार्रवाई है वही मनोबल बढ़ा रहे हैं उन अपराधियों के जो भविष्य में इस तरह के षड्यंत्र करते हों, या जो सब लोग लाज के डर से किसी युवती को या किसी बच्चे को दबा कर रखे हों। अगर पुलिस कार्रवाई होती है, कोई बड़ा एक्शन होता है, तो कहीं न कहीं वो लोग भी सामने आएंगे जिनके परिवार में इस तरह के हादसे हुए हैं, और वो बच्चियां भी सामने आएंगी जो अभी तक पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। पूरे मामले में दानिश खान को केवल आरोपी मानकर उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करके कहीं न कहीं ऐसे आरोपियों के, अपराधियों के मनोबल को पुलिस बढ़ाने का काम कर रही है। और जब तक निश्चित रूप से जो है बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, बड़ी संगीन धाराओं में अपराध दर्ज नहीं होगा और उनको आजीवन जेल नहीं होगा या बड़ी उनके ऊपर जो है एक्शन नहीं होंगे, तब तक के ऐसे अपराधी जो है समाज में खुले रहेंगे और समाज की जो बेटियां हैं, जो मासूम बच्चियां हैं, उनके साथ बर्बरता इसी तरह से बरकरार रहेंगी। तो ऐसे में जो है पुलिस को भी संज्ञान लेना चाहिए और गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज करके ऐसे जो अपराधी है, जो ऐसे मानवता को शर्मसार करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए हरपाल। आखिर लव जिहाद के मामले क्यों लगातार सामने आ रहे हैं? प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले में भी प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है। ऐसा पीड़िता के भाई का भी कहना है कि हम असंतुष्ट हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पीड़िता ने कई सारे गंभीर आरोप अपने वीडियो में लगाए हैं। आखिर पीड़िता ने क्या कुछ कहा है उस वीडियो में, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। दानिश के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि वो साल भर मुझे अपने साथ में एक संबंध बना के रखा था, लेकिन कभी मेरे साथ शादी नहीं किया। आज उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में हूँ। मुझे हर जगह से छोटे मिलते जा रही हैं। वो इंसान शुरू से मारता था, प्रताड़ित करता था, कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। उससे ये बीवी थी, लाइफ शादीशुदा वाली थी, तो मुझे शुरू में छोड़ देता। मैं भाग के आई तो मैं बच्ची से, मुझे समझा सकता था। मेरे पूरे फेस में उसके मार्क के अभी तक दाग रखे हुए हैं, उसके हाथ के काटने का निशान रखा हुआ है। मुझे न्याय चाहिए और किसी भी हाल में मुझे परेशान ना करे। वो हर वक्त, हर जगह, हर समय आज तक मेरे को प्रताड़ित करता कि मैं उसकी ज़िंदगी से क्यों गई, मेरी भी लाइफ है। जब वो शादीशुदा इंसान बन सकता तो मैं उसके बिना भी तो रहना सीख सकती हूँ ना। सर, कोई भी इंसान, कोई भी लड़की एक हद तक मार खाती है। वो एक मुसलमान था, वो मेरी बातों को कभी नहीं समझा, तो कहाँ की बातों को सुनता होगा। मुझे न्याय चाहिए सर, बस न्याय चाहिए। अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस कर ली सर। मैं अभी चल भी नहीं सकती। मैं अगर मर जाऊँगी तो मैं किसके पास जाऊँगी मर के? मेरे भैया भी मेरे से ढंग से बात नहीं करते सर। तो आप एक मेरी एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध करती हूँ कि दानिश खान को प्लीज़ कड़ी से कड़ी सजा दिखाएं। वो हर बार, हर बीच मुझे कॉल किया है। उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास है सर। अभी वाली नहीं है, पुरानी वाली है। मेरे को उससे कोई सा बात नहीं रखना सर। मेरे को बस उससे अलग होके रहना, वो नहीं अलग होने देता हूँ। धन्यवाद सर, मुझे इंसाफ चाहिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।